अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर खान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube में JSK डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। सो आज की क्लास में हम सीखेंगे मास्क। मास्क डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मास्क करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ शेप्स चाहिए होती है जिस पर हम मास्क करना चाहते हैं। लेट सपोज हमें कोई इमेजेस हो हमारे पास, हमें उसका कुछ एरिया चाहिए होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ यहाँ पे कुछ सर्कल्स बना लेता हूँ और इसकी कुछ कॉपी रख लेता हूँ। उसके बाद अब ये मेरे पास जो फर्स्ट वाला सर्कल है, फ़िलहाल मैं इसको साइड में रख लेता हूँ। ये जो हमारे पास सर्कल है, ठीक है, इसमें हमारे पास फिल भी है येलो कलर का और स्ट्रोक हमारे पास ब्लैक कलर का है, ठीक है। अच्छा, ये सर्कल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये एक आइकन नज़र आ रहा होगा ड्राइंग मोड्स का, ठीक है। हमें इसके बाकी मोड्स अगर चेक करने हो तो सिंपली हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये तीन ऑप्शंस शो हो रहे हैं, ठीक है। मैं अगर यहाँ से सिलेक्शन हटा देता हूँ, अब मैं चेक करूँगा तो अब हमारे पास जस्ट दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। एक है ड्रॉ नॉर्मल और एक है ड्रॉ बिहाइंड, ठीक है। और जैसे ही मैं इस शेप पे क्लिक करूँगा, इसकी सिलेक्शन ले लूँगा, सिलेक्शन लेने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक मज़ीद ऑप्शन ड्रॉ इनसाइड का भी ऐड हो चुका है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली ड्रॉ नॉर्मल क्या है? ड्रॉ नॉर्मल में हम कोई भी शेप बनाते हैं, कोई बॉक्स बनाते हैं, कुछ भी, तो वो नॉर्मली इसके ऊपर बनते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है ड्रॉ बिहाइंड। ड्रॉ बिहाइंड आपको पता ही होगा कि पीछे, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो इस शेप के पीछे जो हमें कुछ ड्रॉ करना होगा जो हम चाहेंगे कि यहाँ पे बैक पे हमारे पास शो हो, तो उसके लिए अगेन मैं एक शेप बना रहा हूँ। अब देखिए, मैंने जैसी शेप बनाई तो ये इसके ऊपर का एरिया आपको शो हो रहा है और नीचे का शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये ड्रॉ बिहाइंड है। इस तरह से अगर मैं यहाँ भी बनाऊँगा तो ये सारा ड्रॉ बिहाइंड है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में ड्रॉ बिहाइंड हमने सेलेक्ट किया है। अगर हम ड्रॉ नॉर्मल करेंगे तो ये देखिए, ये अब नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये इसके ऊपर सिलेक्शन हो रही है। हमारे पास एक और ऑप्शन है ड्रॉ इनसाइड। ड्रॉ इनसाइड क्या काम करता है? ये भी सेम क्लिपिंग मास्क है, हम जैसे क्लिपिंग मास्क करते हैं तो इसी का एक और तरीका है। ड्रॉ इनसाइड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आप देखिए इस सर्कल के पास आपको एक सिलेक्शन नज़र आ रही डॉटेड लाइन की, ठीक है, कि हमारे सेलेक्ट सर्कल सेलेक्ट हो चुका है। अब हम कुछ भी बनाएंगे तो वो ड्रॉ इनसाइड होगा, ठीक है। जितना भी हमारी अभी मज़ीद हम जो भी शेप्स बनाएंगे वो उसके अंदर होगा, इनसाइड होगा। मैं एक स्क्वायर सर्कल बना लेता हूँ, ये मैंने एक सर्कल बनाया, तो अब देखिए ये कुछ यहाँ नज़र आ रहा है आपको। मैं अगर इसका कलर चेंज कर दूँ यहाँ से, ये अब कलर इसका चेंज हो गया है, ठीक है। मैं इस तरीके से यहाँ बना लूँ तो ये तो हमने ऑलरेडी सेंटर में बनाया है तो इसलिए हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम कॉर्नर्स पर बनाएंगे तो हमारे पास शो होगा कुछ इस तरीके से। हम कुछ भी चाहें, जो भी ऐड करना चाहें, वो हम इस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमने ड्रॉ इंसर्ट किया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ बाहर कोई सिलेक्शन बनाऊँगा तो वो शो नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो शेप थी वो ये थी, ये सर्कल था, ठीक है। आपको ये बाउंड्री जो नज़र आ रही है, हम जो भी ड्रॉ करेंगे इस बाउंड्री के अंदर, अगर हम बाहर कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो वो आपको शो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, हमें इस सिलेक्शन से अगर मैं अब कहीं और शेप बनाना चाहूँ, नॉर्मली यहाँ मुझे शेप बनानी है, लेकिन वो शेप हमें दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो अभी तक इनसाइड ही सिलेक्शंस बन रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंपल यहाँ पे दोबारा क्लिक करना होगा इस आइकन पे। इस आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमें यहाँ से ड्रॉ नॉर्मल करना होगा। हम नॉर्मल करेंगे तो अब हम अपनी नॉर्मल पोजीशन में यहाँ आ चुके हैं। अब मैं अगर कहीं और शेप बनाऊँगा कुछ भी, तो अब आपको शेप्स नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ड्रॉ इनसाइड से बाहर आके ड्रॉ नॉर्मल सेलेक्ट करें। ड्रॉ नॉर्मल जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो हम इस तरीके से फिर डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं।
अच्छा, ये था नॉर्मल मास्क, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड ऑप्शन, क्लिपिंग मास्क। मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ ताकि के लिए आसानी हो। नॉर्मल मास्क सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क, ठीक है। अच्छा, क्लिपिंग मास्क में हमें क्या करना है या क्लिपिंग मास्क हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके दो तीन ऑप्शन होते हैं। ये हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पे हम लाजमी बात है इसके अंदर कोई चीज़ पेस्ट करना चाह रहे हैं, पेस्ट इनसाइड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम उसको क्लिपिंग मास्क करेंगे। वो किस तरीके से, ये हमारी एक सिंगल शेप है, ठीक है। हम कोई और शेप लेते हैं, एक और मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एफ शेप है, आपको ये दो शेप नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि बिल्कुल क्लियरली आपको नज़र आए। अब हमारे पास ये दो शेप्स हैं, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा, हमें जब भी क्लिपिंग मास्क करना होगा तो जो लेयर हमारी सबसे टॉप पर होगी उसके मतलब दूसरी शेप उसके इनसाइड होगी, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, या मैं दोनों को ऐसे सिलेक्शन लेके भी सेलेक्ट करूँगा, लेकिन हमारी जो ऑरेंज वाली सर्कल है ये टॉप पर है, ठीक है। अब मैं जैसे ही राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क करूँगा तो सारा क्लिपिंग मास्क यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है। अगर मुझे इसे पॉइंट रखना है तो मुझे इसे टॉप पे लाना होगा। मैं राइट क्लिक करूँगा, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। अब ये हमारा टॉप पे आ चुका है। अब हम अगर इसे मास्क कर मतलब इस एरिया को मास्क करना चाह रहे हैं तो हमें इसको सेलेक्ट करना होगा, जो हमारी लेयर टॉप पे होगी वो सेलेक्ट होगी, ठीक है। तो मैं दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं राइट क्लिक करके करूँगा मेक क्लिपिंग मास्क। अब आप देखें ये हमारा मास्क हो चुका है, ठीक है। मास्क रिलीज़ करने का क्या तरीका है, राइट क्लिक करेंगे, रिलीज़ क्लिपिंग मास्क, ठीक है। अच्छा, मास्क तीन तरीके से हम क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं, थ्री ऑप्शंस हैं हमारे पास। नंबर एक, राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है, हम यहाँ ऑब्जेक्ट में आएंगे और यहाँ क्लिपिंग मास्क और मेक, ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन है। इसके बाद थर्ड हमारे पास शॉर्टकट है, Ctrl+7, ये भी हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको शॉर्टकट आप भूल जाते हैं तो आप यहाँ आइए ऑब्जेक्ट में, क्लिपिंग मास्क, और यहाँ देखिए शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, Ctrl+7। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा क्लिपिंग मास्क हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। मैं कोई इमेज पे आपको मास्क करके दिखाता हूँ, शायद आपको फिर समझने में ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। लेट सपोज हम ये एक इमेज ले लेते हैं, अभी मेरे पास एक इमेज आए, ठीक है। इस इमेज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मुझे इस इमेज का कुछ एरिया चाहिए, ठीक है। इसमें जैसे ग्राउंड आपको शो हो रहा है पीछे, मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे जस्ट ये इमेज चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके लिए पेन टूल से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे एक्यूरेट सिर्फ यही चाहिए तो मुझे पेन टूल से ड्रॉ करना होगा, अदरवाइज़ अगर मैं सर्कल के थ्रू करना चाहूँ तो मैं यहाँ से एक एलिप्स टूल बन लूँगा, सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ एक सर्कल हमने बनाया, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। अच्छा, सर्कल में अब आपको समझ नहीं आ रहा कि पीछे ग्राउंड पे हमने कितनी इमेज सेलेक्ट की, तो आप इसका फिल ऑफ कर दें, जस्ट इसकी आउटलाइन रख लीजिए, ठीक है। अभी आउटलाइन को हम यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी आउटलाइन सेट हो चुकी है। अब मैं इस आउटलाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये आउटलाइन हमारी टॉप पर होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर हम इसको बैक पे करेंगे तो ये आउटलाइन हमारी हाइड हो जाएगी, वो बैक पे चली जाएगी और हमें हमारा क्लिपिंग मास्क नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना होगा और यहाँ से अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क। अब ये देखिए हमारे पास क्लिपिंग मास्क हो चुका है, ठीक है। तो हम इस तरीके से किसी भी इमेज का क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे अंडू कर रहा हूँ। अच्छा, हमें अगर एक से ज़्यादा चीज़ें क्लिपिंग मास्क करनी हो, ठीक है, लेट सपोज़ अब हमारे पास ये एक इमेज है और ये सर्कल है, मुझे इसमें कुछ और सर्कल शेप्स ऐड करने हैं या सर्कल्स ऐड करने हैं, तो वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ।
ठीक है, जैसे कि ये। लेकिन हमें इसे टॉप पे लाना होगा। टॉप पे लाने के बाद मैं इन सब के कलर भी चेंज कर देता हूँ। मैं भी नॉर्मली कोई भी कलर सेलेक्ट करके रख लूँ जैसे आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं या जो आपकी शेप होगी आप उसके अकॉर्डिंग इस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, आप जो हमारी मास्क वाली लेयर है जिसके थ्रू हमें मास्क करना है वो ये है, तो इसे हमें फ्रंट पे लाना होगा। अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। फ्रंट पे लाने के बाद अब मैंने इस लेयर को सेलेक्ट किया। अगर मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क करूँ, तो देखेंगे ये सब के सब सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको माउस क्लिपिंग मास्क को मैंने रिलीज़ किया। एक और ऑप्शन चीज़ है जो मैं क्लियर करना चाहूँ, मैं इन सर्कल्स को रिमूव कर रहा हूँ, शेप्स रिमूव हो गए। अच्छा, अब हमारे पास एक इमेज है जैसे कि ये है, हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, और इसे एडजस्ट कर लेते हैं। और इसी इमेज को मैं फ्लिप कर देता हूँ, एक और कॉपी लेके इसकी, ठीक है, राइट क्लिक और यहाँ से रिफ्लेक्ट वर्टिकल 90 डिग्री, ओके, ठीक है। अब ये फ्लिप हो चुकी है। मैं इन दोनों को अभी एक साथ कर रहा हूँ, कंबाइन किए मैंने इन दोनों को एक साथ, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस सबको सेलेक्ट करके कर रहा हूँ तो अब देखें ये इस तरीके से मास्क होगा, ठीक है। और अगर मैं जस्ट इसको किसी एक पोर्शन को सेलेक्ट करूँगा, इसको और इन दोनों को, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से शो होगा, जबकि ये इमेज हमारी मास्क नहीं हुई क्योंकि हमने इस लेफ़्ट वाले पोर्शन को सेलेक्ट किया था, ठीक है। अगर हमें पूरा करना होगा तो दो इमेजेस हो या ज़्यादा शेप्स हो या कुछ भी एक्स्ट्रा हो तो हम उन सब को सेलेक्ट करेंगे। पहले सेलेक्ट करने के बाद Ctrl 7, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये अब हमारे पास मास्क हो चुका है, तो इस तरीके से हम क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन था हमारा क्लिपिंग मास्क, वो भी हम कर चुके हैं। क्लिपिंग मास्क के बाद अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो है ओपेसिटी मास्क। हम उसकी भी कॉपी ले लेते हैं यहाँ, ओपेसिटी मास्क। अच्छा, तो ओपेसिटी मास्क क्या चीज़ है? ओपेसिटी मास्क एक डिफरेंट चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यही शेप हम ले लेते हैं, ठीक है। मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, एक बॉक्स बनाया, एक इसकी डुप्लीकेट ली, ठीक है। इसका स्ट्रोक मैं ऑफ कर रहा हूँ, इसमें ग्रेडियंट में फिल कर रहा हूँ, ठीक है, और इसकी डिग्री 90 डिग्री हम कर देते हैं, -90 डिग्री, ठीक है। और ये हमारे पास एक सॉलिड कलर, हम इसमें कोई भी ले लेते हैं, ब्लू कलर, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें इसका ओपेसिटी मास्क बनाना है, ठीक है। ओपेसिटी मास्क क्या चीज़ है? नॉर्मल क्लिपिंग मास्क तो आपको पता ही है, अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके मैं क्लिपिंग मास्क करूँगा तो ये इस तरीके से जो हमारी ऊपर वाली शेप होगी, ऊपर वाली लेयर होगी, उसमें मास्क हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ऊपर वाली लेयर जो थी वो ये ब्लू कलर है। अगर मैं इसको करना चाहूँ कुछ इस तरीके से, तो ये मैं इसको पहले फ्रंट पर ले लेता हूँ, अब मैं मास्क करूँगा तो अब आप देखें इस तरह मास्क हो गए, ठीक है। तो लेयर ओपेसिटी मास्क थोड़ा डिफरेंट है, इसमें आप देखें यहाँ मैंने ग्रेडियंट यूज़ किया, ठीक है। ग्रेडियंट यूज़ करने का मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि अगर मुझे इसमें यहाँ से सॉलिड कलर चाहिए टॉप से और नीचे मुझे उसका लाइट शेड चाहिए, ठीक है, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है नीचे इसका ब्लैक है और ऊपर ये ग्रे से फिर होता होता ऊपर वाइट आ रहा है, ठीक है। वाइट का मतलब कि आपको नज़र आएगा, ठीक है, और ब्लैक का मतलब कि कोई भी कलर नहीं है। उसकी एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूँ। मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले रहा हूँ, आप चाहें तो इसे भी रख सकते हैं, बट मैं ऐसे डुप्लीकेट कॉपी लेके इसके ऊपर इसको फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखें कुछ ऊपर हमारे पास वाइट शो हो रहा है और नीचे ब्लैक है। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ आऊँगा ट्रांसपेरेंसी, ठीक है,
अगर आपके पास ट्रांसपेरेंसी यहाँ शो नहीं हो रहा तो आप सिंपली विंडोज़ में आइए, नीचे आएंगे, आप ये देखिए टी के, उसमें आपको ट्रांसपेरेंसी शो होगा। उसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F10। ठीक है, तो सेम ऑलरेडी मेरे पास यहाँ ओपन है तो इसलिए मेरे पास चेक लगा हुआ है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ से ऑन करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि नीचे हमारे पास सॉलिड कलर है, ऊपर हमारे पास ग्रेडियंट कलर है। ठीक है, मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं मेक मास्क कर रहा हूँ। अब आप देखिए ये आपको कुछ डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही होगी। ठीक है, ऊपर हमारा ब्लू था और ब्लू यहाँ से नीचे कम होता होता यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। ठीक है, मैं इसको अगर टॉप पे लाऊं, अब मैं इसको मास्क करूँगा तो ये आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है कि ऊपर हमारे पास ब्लू कलर था, अभी यहाँ पूरा शो नहीं हो रहा। हम चाहें तो इस शेप को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ तक इसको रख लेते हैं, इसे भी यहाँ तक कर देते हैं। अब मैं इसे मास्क करता हूँ, अब ये देखें यहाँ से हमारा ब्लू स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, मतलब यहाँ हमारा सॉलिड कलर है और वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता होता यहाँ आके बिल्कुल वाइट पे आके ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ओपेसिटी मास्क बेसिकली ये है। हम जैसे कि कोई भी इमेज हमारे पास होती है, जैसे कि मैंने भी एक इमेज भी आपको मास्क करके दिखाया है, ये वाली इमेज थी, मैं इसे दोबारा यहाँ ला रहा हूँ, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसे इस इमेज को बड़ा करने के बाद, ठीक है, मैं अगर इसे मास्क करूँगा तो इसमें आप देखिएगा मास्क जब भी होगा वो सॉलिड कलर पे होगा। ठीक है, मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं अगर इसे मास्क करूँ तो ये देखिए मास्क जब भी होगा उसके कॉर्नर्स जितने भी होंगे, मतलब राउंड इसका जितने भी होगा वो सॉलिड होगा, वो कभी भी आपको मतलब वो सॉफ्ट सा नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर हमें सॉफ्ट चाहिए, जैसे कि यहाँ है कलर ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, मैं अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इसमें भी हमें दो कलर चाहिए, जैसे कि ये कलर्स ऊपर से शो होते हैं नीचे नीचे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी और लूँगा और उसमें दूसरा कलर चेंज कर दूँगा। ठीक है, कलर चेंज करने के बाद मैं यहाँ इसे रख रहा हूँ, मैं इसे बैक पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, इस इमेज को डीसेलेक्ट किया, डीसेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से मेक्स मास्क करूँगा। अब आप देखिए हमने यहाँ ब्लू कलर अप्लाई किया था, ये ब्लू कलर था हमारे पास सियान कलर, ऊपर यहाँ से डार्क है और फिर नीचे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ कम होता जा रहा है। ठीक है, अगर हम चाहें तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हमें पहले चेंज करनी होगी। हम ये ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे, ग्रेडियंट के पैनल में आएंगे और यहाँ से -90 डिग्री है, इसको हम जस्ट 90 डिग्री कर देंगे। अब ब्लैक हमारे पास टॉप पर आ गए, मतलब ऊपर हमारे पास कलर नहीं होगा, और नीचे वाइट है तो नीचे हमारे पास कलर होगा। ठीक है, ये ब्लू है, हमारे पास ऊपर कलर नहीं होगा, नीचे हमारे पास वाइट कलर, नीचे हमारे पास सॉलिड कलर होगा। ठीक है, मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क, पहले इनको सेलेक्ट किया, ट्रांसपेरेंसी में आए, मेक मास्क। अब आप देखें कुछ आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है। मुझे अगर इस एरिया को भी दोबारा से मास्क करना है तो मैं एक और शेप बना लेता हूँ, और शेप बनाने के बाद अब मैं सबको सेलेक्ट करके मैं क्लिपिंग मास्क कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इमेज शो होगी, क्योंकि हमने इसके ऊपर कलर अप्लाई किया है ब्लू, लाइट ब्लू कलर, सियान कलर। ठीक है, तो एक ये तरीका है ओपेसिटी मास्क बनाने का। दूसरा मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये इमेज थी हमारे पास, इस इमेज को हम लेके आए यहाँ, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद हम इसमें से कुछ एरिया, अब जैसे कि मुझे ये एरिया चाहिए, ठीक है, जस्ट इतना। ठीक है, अब मैं इसे मास्क करना चाह रहा हूँ, मैं इसे मास्क मैंने जैसे ही किया तो अब देखिए इसके जो कॉर्नर्स जितने भी हैं ये बिल्कुल सॉलिड है। ठीक है, मतलब एक ही कलर है, मुझे ये चाहिए थोड़ा सा ये सॉफ्ट में, जैसे कि शेड्स कम होता होता ज़्यादा से कम होता जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम पहले ये जो शेप हमने बनाई है जिसमें हमें मास्क करना है, शेप को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आएंगे इफेक्ट, इफेक्ट में आने के बाद हम आएंगे ब्लर, गॉशियन ब्लर,
कर्सर ब्लर में आने के बाद यहाँ से प्रीव्यू हम इसका ऑन रखेंगे, ठीक है, ताकि हम वैल्यू इसकी चेंज करें तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ नज़र आए। ठीक है, इसके एजेस आपको थोड़े से सॉफ्ट नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, मैं इसे ओके कर देता हूँ। ठीक है, ओके करने के बाद मैं इसे जैसे ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्क, लेकिन अब भी इसके एज सॉफ्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, एक और चीज़ है, मैं दोबारा से इसे अंडू कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको मास्क कर देंगे। ठीक है, लेकिन देखिए अगेन हमारे पास मास्क नहीं हुआ। मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे एक और बात की थी कि हम जब भी मास्क करेंगे, ये जैसे ग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं, ऊपर हमारे पास वाइट होगा और नीचे हमारे पास ब्लैक, ब्लैक हमारे पास शो नहीं होगा, वाइट हमारे पास शो होगा। और यहाँ पे हमने जो शेप बनाई है इसका कलर है ब्लू, अगर मैं यहाँ से इसका कलर कोई और रख दूँ और फिर इसे मास्क करूँ तो फिर भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें जस्ट सिर्फ वाइट कलर करना होगा। तो मैं इसे अगेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से वाइट कलर मैंने सेलेक्ट किया, जैसे ही वाइट सेलेक्ट किया और इस इमेज को भी सेलेक्ट किया साथ में, अब मैं इसे मिक्स मास्क कर रहा हूँ। तो आप देखें ये आपको क्लिपिंग मास्क शो हो रहा है। ठीक है, आप इसके एजेस देखें बहुत ही सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी कॉपी लेके आपको दिखा दूँ, यहाँ से मैं इसकी कॉपी नीचे रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसका जो ब्लर हमने दिया था इसमें, ठीक है, इफ़ेक्ट जो हमने इस पर अप्लाई किया था ब्लर का, वो हम रिमूव करेंगे। अच्छा, जो भी इफ़ेक्ट हम देते हैं यहाँ इफ़ेक्ट से, ठीक है, ब्लर हो या कुछ भी हो, हम यहाँ से उसकी वैल्यूज़ दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ करूँगा तो वो आपसे कह रहा है दिस विल अप्लाई अनदर इंसिस्ट ऑफ दिस इफ़ेक्ट। ठीक है, अप्लाई न्यू इफ़ेक्ट, अब अगर आपने न्यू मतलब इफ़ेक्ट अप्लाई करने इसके ऊपर एक और, तो हम यहाँ से करेंगे। अगर हमें इसमें चेंजेस करनी है तो हम यहाँ से नहीं करेंगे, उसके लिए हम यहाँ अपीयरेंस में आएंगे। अपीयरेंस अगर आपके पास यहाँ शो नहीं हो रहा तो आपके पास विंडो में आएंगे, विंडो में भी आपके पास यहाँ ग्राफिक स्टाइल होगा, ये ग्राफिक स्टाइल, इस पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बराबर में आपको अपीयरेंस भी यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए हमने जो इस पर इफ़ेक्ट अप्लाई किया था गॉशियन ब्लर, वो यहाँ है। इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा, ये हमारे पास पुरानी वैल्यू का टैब ओपन हो चुका है। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ से कम कर सकता हूँ, ज़्यादा भी कर सकता हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। मैं इसकी वैल्यू फ़िलहाल ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आपको मैं एक डेमो दिखा सकूँ। ओके, मैं अब इसे मास्क कर रहा हूँ और ट्रांसपेरेंसी पे आने के बाद दोबारा मास्क कर रहा हूँ। अब आप देखें ये इसके एजेस बिल्कुल सॉफ्ट है, यह हमारे पास ग्राउंड बिल्कुल वाइट है, इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसे भी मैं नीचे ड्रैग करके ले आता हूँ। ठीक है, ये जो हमारे पास इफ़ेक्ट है इसमें आप देखें हमने इफ़ेक्ट अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, गॉशियन ब्लर का। तो मैं अब दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मेक मास्क कर लूँगा। अगर मुझे ओपेसिटी मास्क चाहिए होगा जब भी, तो मैं मेक मास्क ट्रांसपेरेंसी कर से करूँगा। अब आप देखें जो इसके एजेस हैं कितने सॉफ्ट हो गए। अब मज़ीद मुझे अगर इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। मैं इमेज पे सेलेक्ट करूँगा, आप देखें इसकी जो एजेस है ये आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जो इमेज के एजेस थे वो कुछ अजीब से लग रहे हैं, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ से आप देखिए हमारे पास ये दो बॉक्स शो हो रहे हैं। ठीक है, एक हमारे पास ओपेसिटी मास्क का एरिया है और दूसरा हमारे पास जो हमारी इमेज थी, और बीच में आपको यहाँ एक ये चेन नज़र आ रही है। ठीक है, चेन का मतलब है कि ये दोनों आपस में लिंक हैं। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस इमेजेस में जो चेंजेस होगी वो हम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ इफ़ेक्ट में मतलब मास्क में कोई चीज़ चेंज करनी है तो मैं मास्क पर सिंपली क्लिक करूँगा। मास्क पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब मैं इसकी शेप मज़ीद छोटी कर सकता हूँ। ठीक है, मज़ीद मैंने छोटी कर दी। ठीक है, ताकि हमारे पास ये साइडों के इफ़ेक्ट्स मतलब जो इमेज के हमारे पास कॉर्नर्स थे वो बिल्कुल सॉलिड में शो ना हो। अगेन मैं अगर अब यहाँ कोई चीज़ ऐड करूँगा तो वो इसके अंदर ही ऐड होगा, क्योंकि हम इस वक्त मास्क के पोर्शन पे हैं, हमें फिर मेन इमेज पे आना होगा। ठीक है, हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो अब ये हमारे पास ये कुछ इस तरीके से इमेज हो चुकी है। ठीक है, मैं अगेन यहाँ क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा टॉप का पोर्शन है यहाँ अभी भी ये शो हो रही है इमेज का टॉप, तो हम इसे अगेन क्लिक करेंगे
और मैं माउस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देंगे, ठीक है। दोबारा इमेज पर क्लिक करें। अब आप देखें ये शेड और कम हो गए। हम चाहें मज़ीद इसे कम कर सकते हैं इस तरीके से, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका शेप हम थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर देते हैं, ठीक है। शेप अच्छा, शेप छोटा करने के बाद अगर आपने इसकी वैल्यू कम करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। हम यहाँ मास्क पर क्लिक करेंगे और अपीयरेंस में आएंगे, गॉशियन ब्लर यहाँ से ऑन करेंगे और इसकी वैल्यू हम कम कर देंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ कर दी, अब मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोबारा ट्रांसपेरेंसी पे आएंगे और इमेज पे क्लिक करेंगे। अब आप देखिए जो हमारे पास यहाँ शो हो रही थी इमेज की कॉर्नर्स, वो अब शो नहीं हो रही और हमारा इमेज कुछ इस तरीके से अब आपको साइडों से सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे बिल्कुल सॉलिड है। सो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। छोटी सी क्लास थी लेकिन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, क्योंकि हम ज़्यादातर कोई भी फ्लायर ब्रोशर या कुछ भी हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी इमेजेस ऐसी होती है जो हमें पूरी नहीं चाहिए होती है, हमें उसे कुछ सेलेक्टेड पार्ट हमें उसका चाहिए होता है। आप जैसे देखें मैंने आपको ये कलर चेंज करके इस वजह से दिखाया ताकि आपको समझ आए, ठीक है। ये देखें तो ये दोनों इमेजेस में काफ़ी डिफरेंट हैं। सो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।